जब कभी भारत में प्रीमियम बसेस का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आती है वॉल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज बेंज और बहुत सारी बसेस। बट जब कभी भारत में मोनोकॉक बसेस का नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है फोर्स मोनोबस। जी हाँ दोस्तों, ये बस एक फुल्ली मोनोकॉक बस है, इसमें चेसिस नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ कि जैसे आप देख सकते हैं सामने एक i10 खड़ी है और ये कार है, बेसिकली हैचबैक कार है, तो इसमें चेसिस नहीं होती है, ये फुल्ली मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन पर बनी होती है और ये बस भी फुल्ली मोनोकॉक बस है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फोर्स मोनोबस के बारे में, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के फ्रंट डिजाइन की। तो फ्रंट साइड लुक आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है। आज तक आपने टाटा की बसेस देखी होगी, अशोक लैंड की बसेस देखी होगी, पर इस बस का जो डिजाइन है वो अलग है। फ्रंट साइड में आपको मिलते हैं क्रॉस टाइप में वाइपर्स, इसी के साथ साथ फ्रंट साइड में फोर्स का लोगो है। सबसे एक यूनिक चीज लगी मुझे कि यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है, ये जो आप देख सकते हैं ये मेटलिक पैनल है और इसमें आपको ग्रिल मिल जाता है। इसी के साथ साथ हेडलैम्प्स की बात कर ले तो इसमें आपको मिलते हैं हैलोजन हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स। अगर हम इसके एडिशनल फिटमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप के लिए स्पेसिंग दी गई है और इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो काफी दमदार है, क्योंकि रोड पर जब चलती है ना लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। अपर साइड में आपको मिलता है प्रॉक्सिमिटी मिरर, जिसकी मदद से आप फ्रंट साइड में देख सकते हैं, नीचे कुछ चीज वगैरह होगी तो आप वो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। फ्रंट साइड में दो मिरर्स मिलते हैं, वाइड एंगल मिरर्स, ये है इसका साइड लुक। यहाँ पर सीजर डोर मिलता है आपको, FM 2.6 CR की बैजिंग, साइड इंडिकेटर है। इसके टायर साइज की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 225/75 R17.5 सेक्शन के टायर्स और इस बस में फ्रंट एक्सल पर दिए गए हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डीजल टैंक और यहाँ पर एड ब्लू टैंक। इस बस में आपको 120 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक मिलता है और यहाँ पर है इसका एड ब्लू टैंक। साइड में आपको साइड मार्कर लैंप मिलते हैं। यहाँ पर ट्रैवलर मोनोबस की शानदार बैजिंग है, काफी बेहतरीन ग्राफिक्स यहाँ पर बनाई गई है। इस बस में आपको टिंटेड ग्लास मिलते हैं साइड में और ये स्लाइडिंग ग्लास है, जिसकी वजह से धूप वगैरह में जब चलती गाड़ियां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये है इसका रियर एक्सल। रियर एक्सल पर भी आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाता है, जिसे हम पत्ता कमानी सस्पेंशन बोलते हैं। और देख सकते हैं बॉडी के नीचे से भी एंटी रस्ट कोटिंग हुई है और इसमें चेसिस बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी की जो एक्सल्स की माउंटिंग है वो डायरेक्ट बॉडी पे फिट की गई है और मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है। मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन का अपना एक फायदा है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो वेट है वो कम हो जाता है। रियर साइड से भी गाड़ी का लुक काफी बेहतरीन आता है। यहाँ पर फोर्स का लोगो है, ट्रैवलर मोनोबस की बैजिंग, फोर्स का इंटीग्रेटेड लोगो। रियर साइड में आपको मिलता है इमरजेंसी एग्जिट, जो कि एक टफन ग्लास है। रियर साइड में आपको हैलोजन टेल लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ पर ब्रेक लैंप है, यहाँ पर इंडिकेटर लैंप है, यहाँ पर रिवर्स लैंप है और एडिशनल सेफ्टी के लिए बस के 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसमें दिए गए हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर को गाड़ी पीछे रहने के लिए आसानी होती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, व्हाइट और ब्लैक फिनिशिंग में काफी सुंदर लगती गाड़ी। कैमरा के लिए यहाँ पर प्रोविजन दी गई है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर रिवर्स कैमरा भी फिट करवा सकते हैं। लाइसेंस प्लेट के लिए जगह है नीचे। अपर साइड में दो हाइट मार्कर लैंप है, जिसकी मदद से रात के समय में गाड़ी की हाइट आपको पता लग सकती है। ड्राइवर साइड से इस प्रकार दिखती है गाड़ी। यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है, जिसे आप आपातकालीन परिस्थिति में यूज कर सकते हैं। स्टेप दी गई है, जिसकी वजह से उतरने के लिए आपको आसानी होगी। अपर साइड में देख सकते हैं इंटीग्रेटेड सील्ड ग्लास आपको दिए गए हैं। गाड़ी की जो फिट एंड फिनिश है बहुत बढ़िया है और ये देख सकते हैं साइड से एकदम ऐसे सपाट नहीं है, यहाँ तक प्लेन है, बट इसके नीचे ऐसा क्रॉस सेक्शन आपको आ जाता है। ये इसका ड्राइवर साइड डोर, यहाँ पर स्टेप दी गई है। अब देखते हैं इस बस का शानदार इंटीरियर। यहाँ पर दो स्टेप्स दी गई है, स्टेप्स पर यहाँ पर फुट स्टेप लैंप मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस लगा हुआ है ज्यादा फोकस के लिए। ये देख सकते हैं कैबिन एरिया, एर्गोनॉमिक कैबिन डिजाइन आपको इसमें मिलता है। ड्राइवर कैबिन एरिया हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके पैसेंजर कंपार्टमेंट को देख लेते हैं। पैसेंजर एरिया की बात कर ले तो इसमें आपको 2x2 सीटिंग लेआउट मिलता है। ये जो वेरियंट आप देख सकते हैं ये 33 सीटर वेरियंट है, इसमें आपको 41 सीटर का ऑप्शन भी मिलता है। रियर साइड में आपको मिलेंगे 5 सीट्स, यहाँ पर एक दो इमरजेंसी हैमर मिलते हैं। ये इसका इमरजेंसी एग्जिट, काफी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। यहाँ पर जो बैठेंगे पैसेंजर उनके तो मजे होने वाले हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी हेल्प बटन, पैनलिंग आप देख सकते हैं काफी सॉलिड पैनलिंग यहाँ पर की गई है और ये ड्यूअल टोन पैनलिंग है। ये है इसके नॉर्मल सीट्स। कुशनिंग आप देख सकते हैं, कुशनिंग काफी सॉफ्ट है। यहाँ पर जो बैक सपोर्ट है यहाँ पर थोड़ा हार्ड दिया गया है, लंबे समय के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं इस पे। और यहाँ पर व्हील सेक्शन इसके वजह से इन्होंने अच्छे से मैनेज किया, देखिए थोड़ा सा स्पेस है। कुछ बसेस में यहाँ तक पूरा होता है, बट इसमें आप देखिए थोड़ा सा स्पेस इसमें यूटिलाइज किया गया है, मतलब बैठने के लिए कोई दिक्कत ना हो। सीट्स के पीछे आपको मिलते हैं हैंडल्स और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिए गए हैं आर्मरेस्ट। हर सीट में आपको आर्मरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर है इसका हेडरैक, यानी कि स्टोरेज कंपार्टमेंट, बैग्स वगैरह रख सकते हैं बड़ी आसानी से। अपर साइड में ग्रैब रेल है, यहाँ पर फुल्ली एलईडी लाइटिंग यहाँ पर दी गई है, इस तरह से यहाँ पर माउंटिंग की गई है। फिट एंड फिनिश आप देखिए बिल्कुल एक्यूरेट और काफी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स इसमें यूज हुए। यहाँ पर देख सकते ग्रे शेड, यहाँ पर बेज शेड, यहाँ पर फ्रंट के दो सीट्स को यहाँ पर सीट बेल्ट दिए गए हैं। अगर आप चाहे तो ईच एंड एवरी सीट को भी आप सीट बेल्ट फिट करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहाँ पर एक इमरजेंसी हैमर है, एडिशनल सेफ्टी के लिए, मतलब इतना डिस्टेंस रखा, इतना मार्जिन यहाँ पर रखा गया है। ये जो होता है कुछ बसेस में यहाँ तक होता है और डायरेक्टली यहाँ से मतलब जो
पैसेंजर होते हैं कुछ कुछ केसेस में जब ज्यादा ब्रेक वगैरह लगता है तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, बट इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर इतना मार्जिन रखा है और ऊपर से सेफ्टी के लिए एडिशनल सपोर्ट भी दिया है, मतलब खड़े वगैरह रहना होगा तो आप आराम से ऐसे खड़े रह सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ड्राइवर एरिया में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस प्रकार ये खुलेगा, ये लॉक अनलॉक का बटन कार जैसा, हैंडल ग्रैब हैंडल, बोतल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, ये है इसका फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फोर्स का यहाँ पर लोगो बना हुआ है। स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर के कंट्रोल से स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में आपको मिलेंगे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर के कंट्रोल का शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ पर आरपीएम मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यानी कि एमआईडी यहाँ पर दिया गया है। फोर्स मोटर्स की मोस्ट ऑफ द बसेस में ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कॉमन है, ये इसमें जो ब्लू थीम दिया गया है ना रात में काफी सुंदर लगता है जब आप इसमें ट्रैवल करते हो चलाते हो। स्टेयरिंग के जो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बैटरी कट ऑफ स्विच है, इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल्स काम नहीं करेंगे। ये बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा। यहाँ पर हेडलैम्प लेवल एडजस्टमेंट बटन है जिसकी मदद से आप हेडलैम्प लेवल को गाड़ी के लोड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टेयरिंग के राइट हैंड साइड में कुछ और कंट्रोल है जैसे कि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए अगर आप चाहे तो, इसे कुछ लोग सिगरेट लाइटर पोर्ट भी कहते हैं। ड्राइवर के लिए यहाँ पर फैन दिया गया है जिसका कंट्रोल यहाँ से। यहाँ पर इमरजेंसी बटन है, इमरजेंसी बटन का उपयोग ये है दोस्तों कि समझो कुछ हैपन हो गया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको अगर पैसेंजर्स को सिग्नल देना होगा तो ये लैम्प इस बटन से चलता है। यहाँ पर रेड लैम्प कंटिन्यूस फ्लैश होता है, इसे पैसेंजर्स अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है और जल्दी से वो बस के बाहर निकल सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर लाइट्स और ये देख सकते हैं कंट्रोल्स, अभी ये जब हम स्विच प्रेस करेंगे तो ये देखिए लाइटिंग ऑन हो चुकी है अंदर की, और अगर हम जब नाइट मोड लगाएंगे तो ये ब्लू लाइट्स लग जाते हैं, इसे ये देख सकते हैं ब्लू लाइट्स। नाइट लाइट में बहुत सारी बसेस में ब्लू लाइट यूज होता है क्योंकि ये आंखों को चुभता नहीं है, रात में जब आप सफर वगैरह करते हैं तो ऐसा कोई लगता नहीं कि मतलब ज्यादा आंखों को तकलीफ नहीं होती है अंधेरे में, और फ्रंट ग्लास पर भी इसका ग्लेयर वगैरह कम आता है। कैबिन लैंप का बटन आपको यहाँ पर मिलता है, चेकआउट कीजिए आप। यहाँ पर एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन है, एग्जॉस्ट ब्रेक को आप एज अ सेकेंडरी ब्रेक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर है रीजनरेशन ऑन और रीजनरेशन ऑफ करने का कंट्रोल की मदद से आप इस गाड़ी की रीजनरेशन प्रोसेस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। रीजनरेशन प्रोसेस को डीपीएफ फिल्टर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, इससे पोल्यूशन भी कम होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हजार्ड लैंप का कंट्रोल है। अगर आप बॉडी बिल्डर से एडिशनल फॉग लैंप्स लगाते हैं या कुछ एडिशनल फिटमेंट करते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए आपको ज्यादा कुछ कटआउट ना करने पड़े इसके लिए यहाँ पर स्विचेस के लिए प्रोविजन दिया गया है। ये कैप ऐसे निकल जाती है इससे, और आप इसमें एडिशनल 7 स्विचेस लगा सकते हो, और अगर आप चाहे तो इसमें और आपके लिए स्विचेस की जगह दी गई है, आप उसमें स्पेस को अच्छे से मैनेज करके कुछ कंट्रोल्स को एडिशनल भी लगा सकते हैं। फायर सप्रेशन सिस्टम जो BS6 बसेस में मैंडेटरी है, और ये काफी अच्छा फीचर है दोस्तों। अगर बस में कोई आग वगैरह लगती है तो इसकी मदद से आपको समझ जाएगा जोन 1 जोन 2 और जोन 3, जैसे कि कैबिन सेक्शन है, स्टोरेज सेक्शन हो गया या कुछ फ्रंट सेक्शन हो गया, तो अगर कहीं पर आग लगती है तो ये जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है और सब लोगों को अलर्ट कर देता है कि गाड़ी में आग लग गई है, तो आप जल्दी से उस पर एक्शन ले सकते हैं और उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस बस में आपको मिलता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, और रिवर्स गियर को एक्सेस करने के लिए आपको ये प्रेस करके ऐसा डालना पड़ेगा, इसे आपने उठाया और ऐसे डालना आपको पड़ेगा। आप जानते हैं इस बस के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस बस में लगा हुआ है फोर्स मोटर्स का FM 2.6 CR BS6 इंजन। ये एक 4-cylinder BS6 इंजन है जो 85 kW यानी कि 115 HP की पावर जनरेट करता है 350 Nm टॉर्क के साथ। इस बस में आपको G35 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। इसमें आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, 33-seater और 41-seater का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसमें 33-seater वेरिएंट लेते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है ये 8.4 meters की है, चौड़ाई 2.4 meters की है, और हाइट 3 meters की इसकी हाइट है। इस बस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 185 mm का है, जिसकी वजह से खराब सड़कों पर ये गाड़ी आसानी से चल सकती है। इस बस का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है ये 7,550 kg का है, यानी कि 7,550 kg का इस गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट है, और इस बस में आपको हाई बैक सीट्स और स्टैंडर्ड सीटिंग का ऑप्शन दिया गया है। अब आप सभी का फेवरेट सवाल यानी कि इस गाड़ी की कीमत। इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है ये 27.5 lakh rupees तक जाती है, और ऑन रोड कीमत 29.5 lakh rupees तक जाती है, पर यह कीमत आपके राज्यों में ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर गाड़ियों के टैक्सेस वगैरह अलग अलग होते हैं, और हमारे भारत में तो इतने सारे स्टेट्स हैं जिनकी वजह से आपके राज्य में इस गाड़ी की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है। और अगर आप इस गाड़ी को नासिक महाराष्ट्र में खरीदना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। उज्ज्वल फोर्स मोटर्स नासिक का एक बहुत अच्छा शोरूम है फोर्स मोटर्स के लिए, और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए है, आप इनसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बस के माइलेज की बात कर ले तो 6 KMPL से 7.5 KMPL का माइलेज ये गाड़ी क्लेम करती है, बट माइलेज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे कि रोड कंडीशंस और ड्राइविंग बिहेवियर।